रबी सीजन की खेती के लिए फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं है। राज्यों की मांग के मुकाबले अधिक फर्टिलाइजर की आपूर्ति की जा चुकी है। जरूरत के हिसाब से और फर्टिलाइजर की खेप भी भेजी जा सकती है। केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने यह दावा करते हुए फर्टिलाइजर की कमी की अफवाह फैलाने और जमाखोरी करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि नवंबर के लिए फसलों की जरूरत के मुकाबले प्रमुख फर्टिलाइजर DAP और यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति की जा चुकी है। उन्होंने किसानों से किसी तरह की अफवाह में ना पड़ने की हिदायत भी दी है। राज्य सरकार को खाद की किल्लत की अफवाह फैलाने, जमाखोरी करने और कालाबाजारी करने वाले ऐसे अराजकत्वों के खिलाफ मनसुख मांडविया ने सख्त कार्रवाई करने को कहा है। केमिकल वे फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में फर्टिलाइजर की उपलब्धता को लेकर मंत्रालय के आला अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की है। रबी सीजन की फसलों में गेहूं व सरसों जैसी प्रमुख फसलों की बुवाई पिछले महीने से चालू हो गई है। फर्टिलाइजर किल्लत की अफवाहों पर तत्काल लगाम लगाने के लिए मनसुख मांडविया ने यूरिया की उपलब्धता का ब्यौरा देते हुए कहा है कि नवंबर में राज्यों की यूरिया की कुल मांग 41 लाख टन के मुकाबले मंत्रालय ने 76 लाख टन यूरिया उपलब्ध कराया है। इसी तरह राज्यों ने नवंबर के लिए कुल 17 लाख DAP यानी कि DAP की मांग की थी, जिसके मुकाबले मंत्रालय ने 18 लाख टन यूरिया उपलब्ध करा दी है। मिश्रित फर्टिलाइजर NPA की उपलब्धता लगभग 2 गुनी है। NPA की कुल मांग 17 लाख टन है, जबकि उपलब्धता 30 लाख टन। मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में फर्टिलाइजर की ना कोई कमी है और ना ही होने दी जाएगी, इसलिए लोगों में भ्रम और अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहें। उन्होंने किसानों से भी आग्रह किया है कि वे इस चक्कर में आकर गलती से भी फर्टिलाइजर की जमाखोरी ना करें। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि रबी सीजन की फसलों के हिसाब से सभी जरूरी फर्टिलाइजर की आपूर्ति की जा रही है। किसानों को सब्सिडी आधारित मूल्य पर उत्पाद को और आयात को के माध्यम से फर्टिलाइजर उपलब्ध कराया जा रहा है। वैश्विक बाजार में फर्टिलाइजर के दाम बढ़ने पर सरकार ने पिछले महीने ही फॉस्फोरस और पोटाश के लिए 28,655 करोड़ रुपये की सब्सिडी घोषित की थी। पोषक तत्व वाले इन फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी का प्रावधान इस वर्ष अक्टूबर से अगले वर्ष मार्च के लिए किया गया है। पोषक तत्व वाले फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन पर 18.79 रुपये, फॉस्फोरस पर 45.32 रुपये और पोटाश पर 10.11 रुपये प्रति किलो की दर से सब्सिडी दी जाती है। फर्टिलाइजर की घरेलू ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारत में यूरिया और DAP का भारी मात्रा में आयात होता है। हाल के सालों में सरकार ने यूरिया की आयात निर्भरता समाप्त करने के लिए बंद बड़े यूरिया संयंत्रों को चालू किया है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।